आम आदमी पार्टी ने विवाद को बताया है बेबुनियाद। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नाम देने के लिए सहमति की जरूरत नहीं होती, सहमति और हस्ताक्षर का कोई नियम नहीं है, यह दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ चुकी है और राघव चड्ढा मामले में आप बेफिक्र नजर आ रही है, आपका ये पूरा तर्क क्या है हम आपको बताएंगे और बिग बॉल के जरिए आई कुछ और डिटेल्स बताते हैं कि सूत्र क्या बता रहे हैं। आपका क्या तर्क है, सिलेक्ट कमेटी में नाम देने के लिए लिखित सहमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, ये आम आदमी पार्टी कह रही है हस्ताक्षर की जरूरत नहीं तो निकली हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं होता, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। बिल्कुल, और कमेटी में हर पार्टी के सदस्य रखने की पुरानी परंपरा रही है, ये तर्क दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कमेटी मेंबर बनने के लिए सिर्फ सहमति जरूरी होती है, लिखित हस्ताक्षर जरूरी नहीं होते, यानी प्रस्ताव में अगर किसी का नाम डाला जा रहा है तो उसके साइन करवाने की जरूरत नहीं होती, ये कहा गया है। बिल्कुल, कमेटी के लिए नाम देना सिर्फ प्रस्ताव जिस पर आखिरी फैसला सदन का होता है, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के तर्कों में। शिकायतकर्ता सांसदों के नाम अच्छी सोच के तहत दिए गए थे कि ये हमारा समर्थन करेंगे, साथ देंगे, अगर सांसद कमेटी के सदस्य न बनना चाहें तो नाम वापस लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी कहा गया है कि अगर इन सांसदों को कोई एतराज है, वो कमेटी के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं तो उनके नाम वापस लिए जा सकते हैं, ये प्रावधान है नियम कायदों के तहत। लेकिन ये किसका दावा है, ये आम आदमी पार्टी का दावा है अपने बचाव में, वो भी तब जब गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों के ऑब्जेक्शन के बाद इस मुद्दे पर जांच की मांग की और सभापति ने जांच का भरोसा दिलाया। बहरहाल, कल संसद से बाहर निकलने के बाद राघव चड्ढा बड़े निश्चिंत नजर आए थे, जिसका कारण अभी हमने आपको ऊपर बताया, जो तर्क दिए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी क्यों अमित शाह की नाराजगी के बावजूद इतनी निश्चिंत नजर आ रही है, देखिए। देखिए, बिल ये इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी, आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया, 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो थर्ड राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, ये भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र। अमित शाह कह रहे हैं आपने फ्रॉड किया सर संसद में, जैसा कि मैंने कहा। तो देखिए, राघव चड्ढा किस तरह से बेफिक्र नजर आ रहे हैं, ये आपने उनके बयानों के जरिए देखा। निमी रस्तोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। निमी जी, लेकिन ये मामला तो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, गृह मंत्री ने डिमांड की और सभापति ने इस मुद्दे पर जांच का भरोसा दिलाया, और अगर जांच हो जाती है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो संसद के नियम कहते हैं कि सदस्यता तक जा सकती है, चिंता जरा भी नहीं है क्या? समीर जी, आपने तर्क वितर्क सुन ली है, मुझे उसको उसके बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो 5 सांसद अपने विशेषाधिकारों का हनन, जैसे कि वो कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है, वो अगर है तो व्हाट अबाउट एक चुनी हुई सरकार जो 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है और जो दिल्ली की 1.5-2.5 करोड़ जो लोग हैं उनके विशेषाधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके बारे में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आपका चैनल क्यों चुप है? आज एक बहुत बड़े मुद्दे को आप एक छोटी कंट्रोवर्सी से दबा नहीं सकते। नहीं। आज का दिन एक काला दिन है, जो फैक्ट है उस पर ही बात हो रही है निमि जी, ये इस बात का कॉन्फिडेंस तो पहले राघव चड्ढा लेंगे। तो किस कदर ये गैर कानूनी है, इलीगल है, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। नहीं निमि जी, मैं एक आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रही हूं, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास घटता जाएगा। एक दो अलग अलग मुद्दे, एक अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी सदन के भीतर, एक मुद्दा है कि राघव चड्ढा ने अगर कोई प्रस्ताव दिया है तो पहले कॉन्फिडेंस में तो लेंगे सांसदों को कि वो उनके साथ सहमत हैं या नहीं, ये तो बेसिक बात है कि आप बिना सहमति के ही बात रख रहे हैं जी।
निधि सहमति जरूर हुई होगी, डिस्कशन जरूर हुआ होगा और उसके बाद उन्होंने लास्ट मिनट पर, मैं नहीं समझती कि किस तरह से उन्होंने इस बात को अपने आप को टर्नकोट साबित किया होगा, लेकिन ये बात साबित हो जाएगी, जांच होने दीजिए, हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ है, हमने किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन इतने बड़े, ठीक है, ये आप कह रही है कि किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है, अब जांच इसकी होगी तो पता चलेगा किसने नियम का उल्लंघन किया, कौन नियम के हिसाब से चल रहा था।